हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी नोट 12 प्रो 5G फ़ोन है, तो रेडमी नोट 12 प्रो 5G फ़ोन है तो उसको आप कैसे फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन को। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि रेडमी नोट 12 प्रो 5G फ़ोन को कैसे फैक्ट्री रीसेट कर पाएंगे, और साथ में इसको फ़ोन का जो ऑल डाटा होता है तो ऑल डाटा को आप कैसे रीसेट कर सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो आपको स्वाइप करना, स्वाइप करते ही आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर आपको इसमें से सेटिंग्स आइकन पर जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में जो फ़ोन है तो फ़ोन को कैसे फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं और ऑल डाटा को कैसे रीसेट कर पाएंगे, तो आप देख सकते हैं सिंपली सेटिंग शो हो रही है। तो आपको अबाउट फ़ोन सेटिंग पे जाना है, जहाँ से आपको फैक्ट्री रीसेट ऑप्शंस पर क्लिक करना है। जब आप फैक्ट्री रीसेट ऑप्शंस पर जाते हैं तो इसके ज़रिए फ़ोन का जो ऑल डाटा है, जैसे कॉन्टैक्ट्स, फोटोस, वीडियोस, ऐप्स, अकाउंट बैकअप, SD कार्ड या अदर्स आइटम वगैरह, इसको यहाँ से रीसेट कर पाएंगे। जब आप पासवर्ड डाल दोगे इस तरीके से, तो यहाँ पर ये रीसेट का ऑप्शन आएगा, रीसेट एंड फैक्ट्री रीसेट एंड बैकअप का ऑप्शंस। तो आप रीसेट भी कर सकते हैं, बैकअप भी कर सकते हैं। बैकअप करेंगे तो जो आपका फ़ोन का डाटा रीसेट नहीं होगा, यहाँ से क्लिक करेंगे तो जो भी डाटा आपके फ़ोन में पूरी तरीके से रीसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं अपने पोको रेडमी फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर। आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है तो यहाँ से डायरेक्टली आप एडिशनल सेटिंग पर जाकर भी फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर पाएंगे। देख सकते हैं कि जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं फैक्ट्री रीसेट पे, तो आपका फ़ोन यहाँ से रीसेट हो जाएगा। से यहाँ से आप रीसेट कर पाएंगे सेटिंग्स का यूज़ करके। तो इस तरीके से फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, वो भी विदाउट FRP लॉक के जरिए फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर पाएंगे और ऑल डाटा भी कर सकते हैं फ़ोन को। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना।